नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल BN कार सीट कवर पे। और आज मैं आपको ये जो वीडियो लेकर आया हूं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लेदर लैमिनेशन या फ्लोरिंग लैमिनेशन या कारपेट को जो है लेदर से कवर किस तरीके से किया जाता है, जो कि आपकी गाड़ी को कारपेट जो है प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी को गंदा होने से। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बंदे जो हैं लेदर के जो है गाड़ी पे बिछाया हुआ है और उसे कवर कर रहे हैं। और ये पूरा लेदर लैमिनेशन वन पीस बना हुआ आता है डिक्की से आगे तक या एक्सीलेटर से पूरा डिक्की तक। और ये गाड़ियों के हिसाब से होता है। ये महिंद्रा मराजो गाड़ी है, तो मराजो के लिए जो ये आगे से लेके पूरा डिक्की कवर करता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और ये होता ऐसे है कि इसके नीचे वेलक्रो लगे हुए होते हैं, ये मैं आगे आपको दिखा दूंगा वेलक्रो। और इसे हम लोग कहीं भी कट नहीं करते हैं, कोई पेस्टिंग नहीं करते हैं। इन फ्यूचर अगर आप इसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आपका कारपेट एज इट इज़ न्यू का न्यू ही रहेगा। और इसमें जो है जैसे पानी वगैरह गिरता है या जो है धूल मिट्टी वगैरह, वो हमारे कारपेट में नहीं जाती है और हमारा कारपेट पूरी तरीके से सेफ होता है। ये देखिए, ये आप देख वीडियो में देख पा रहे हो। और ये है वेलक्रो और ये है हमारा ओरिजिनल कारपेट जो कि फैब्रिक का होता है। और जो गीला वगैरह हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है उसे, वो सूखने वगैरह में बहुत प्रॉब्लम करता है और स्मेल करता है। उसकी जगह ये लेदर उसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसको जो है पूरी तरीके से ही अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर, कारपेट को प्रोटेक्ट करके रखता है धूल मिट्टी वगैरह या बच्चे हैं जो खाने पीने की चीज़ें गिरा देते हैं और वो जो है बाद में हमें क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये कारपेट लैमिनेशन करने के लिए जो है गाड़ी की सीटें पूरी बाहर निकाल ली जाती हैं पहले। तो जैसा आगे आप देख रहे हैं कि आगे काम चल रहा है, वो साइड जो है वो फाइबर में लॉक की जा रही है दोनों तरफ, और आगे जो है फाइनल काम किया जा रहा है और पीछे जो है अभी काम बाकी है। और इसका कुछ हिस्सा मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आगे काम होने के बाद ये किस तरीके से, फाइनल होने के बाद ये किस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है फाइनल हो चुका है। एक्सीलेटर ब्रेक के नीचे आप देख पा रहे हो कि पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है, फाइबर के अंदर लॉक हो चुका है पूरी तरीके से। फिनिशिंग आप इसकी देख पा रहे हैं पूरी तरीके से एक जैसी है, साइड वगैरह से डोर के यहाँ से भी पूरी तरीके से लॉक हो गया है। तो इस तरीके से ये पूरी गाड़ी में चारों तरफ से लॉक हो जाता है और इसके ऊपर सीटें वापस से लगा दी जाती हैं। तो जो भी गंदगी कहीं भी गिरे, अगर वो सीट के कोने वगैरह में भी गिरती है तो वो ऊपर ही रह जाती है, वो नीचे कारपेट में नहीं जा पाती है और हमारा कारपेट एज इट इज सेफ रहता है पूरी तरीके से। आगे और भी वीडियोस लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल